हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द वीएस किचन। तो आज मैं आप सभी के साथ मटन चाप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मटन चाप बनाना बहुत ही इजी है, तो जैसे कि होटल वाले बनाते हैं मटन चाप, उसी तरीके से सेम मैं भी आपको बताने वाली हूँ। मटन चाप खाने बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं, और यहाँ पर आज मैं मटन चाप बनाने का बहुत ही ईजी तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए मटन चाप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मटन चाप को बहुत ही अच्छे से वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद हम इसको कुकर के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 1.5 किलो मटन चाप ली है, तो आप भी अपनी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं मटन चाप की। और यहाँ पर मैंने ली है 3 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो प्याज को अच्छे से वॉश करके हम डाल देंगे मटन चाप के अंदर। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले। तो खड़े मसालों यहाँ पर हमने लिया है 2 तेजपात के पत्ते, 1 जावित्री, 4 हरी इलायची, 2 सिनेमन स्टिक के टुकड़े, 2 बड़ी वाली इलायची काली, और 4 से 5 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, और 1 टीस्पून जीरा। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो फिर यहाँ पर हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्चों का पाउडर। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून, और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नमक डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 3 बड़े चम्मच ऑयल, और ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 ग्लास पानी। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है। तो अब हम इसको ढककर इसके सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे, और मिलाने के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे सीटी। तो सीटी हम तब तक लगाएंगे जब तक जो हमारी चाप है वो अच्छे से गल नहीं जाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी चाप है वो गल चुकी है, जो ऑयल है वो भी सारा ऊपर आ चुका है। तो वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 टीस्पून गरम मसाला। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और 7 से 8 मिनट तक कुकर को बिना ढके हम इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट तक हमने इसकी भुनाई की है लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमारी जो मटन चाप है वो बनकर हो चुकी है एकदम से रेडी, बहुत ही मज़े की बनी है। अभी भी हमने इसको गैस पर रखा हुआ है, तो अब हम इसको गैस से उतार लेंगे, क्योंकि हमारी जो मटन चाप है वो बनकर हो चुकी है रेडी। आप देख सकते हैं मसाला कितना बढ़िया बना है, कितना गाढ़ा बना है, और मटन भी जो हमारी मटन चाप है वो भी हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारी मटन चाप है वो एकदम बढ़िया से बनकर हो चुकी है रेडी। तो अगर आपको मटन चाप की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल द वीएस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें।